है ये? कहाँ आ गया हूँ? बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे लगता है मानो स्वर्ग। बस कुछ ही घंटों में मनाली की वादियों में पहुंच जाएंगे और रास्ते में मनमोहक दृश्य जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये। ऐसा लगता है मानो अलग ही दुनिया में आप आ गए हों। यहाँ की खूबसूरती का वर्णन ही नहीं कर सकते। फाइनली हम लोग आ चुके हैं मनाली में और ये लोकेशन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे यह है मनाली का बस स्टैंड, जो कि पीछे का जो व्यू पॉइंट है बेहद ही खूबसूरत है, शानदार। और ये इस तरह का नज़ारा यहाँ पे है। अब हम लोग की गाड़ी भी आ चुकी है और हम निकलने वाले हैं होटल, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग मस्ती के लिए कहीं भी। और फैमिली भी आ चुकी है गाड़ी में, गाड़ी टास्क हम लोग जा रहे हैं होटल, आप फ्रेश होंगे उसके बाद निकलेंगे। और इस अद्भुत दृश्य को दिखाएंगे आपको बाद में हम। सबसे अच्छी बात यह है, आप जब भी बस से उतरेंगे मनाली में तो आपको पिकअप करने के लिए कार आ जाएगी होटल की, जो कि 50 रुपये के आसपास रेंट होता है और आपको पहुंचा देगी सीधी होटल। और पसंद ना आए आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे होटल दिखाएगी आपको। और यहाँ ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली हम लोग होटल डे नाइट में पहुँच चुके हैं और हमने पहुँचते ही पैकेज के लिए बात किया तो कुछ 6,000 में हम लोग का बात डन हो गई, 3 रातें 4 दिन। ये काफ़ी सस्ता था। मनाली में आज पहला दिन है तो थका भी था, तो सोने के बाद सोचा थोड़ा सा मार्केट घूम लिया जाए। और कुछ मार्केट का दृश्य है ये। और आज हम लोग का विजिट कहीं पे नहीं है, सिर्फ लोकल मार्केट घूमेंगे, उसके बाद कल हम लोग घूमेंगे पूरा मनाली। और हिडिंबा टेम्पल है जो बेहद ही खूबसूरत है, काफ़ी सैलानी आते हैं इस टेम्पल को देखने के लिए। और यहाँ का जो मार्केट है वो बेहद एक्सपेंसिव है, काफ़ी कॉस्टली है। हमने कई चीज़ों को यहाँ पे देखा, कुछ चीज़ें लिया लेकिन वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, आप क्लब में जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जगह जगह मिल जाएंगे लोग ले जाने के लिए। यहाँ पे शूज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, जो कि हमने 2 शूज यहाँ से बाय किया। यहाँ इस मार्केट को अटल चौक नाम से भी जाना जाता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। अटल जी का यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। इसमें हम मनाली में हैं और यहाँ पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ भी लिखी गई हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा तो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये कुछ पक्तियाँ लिखी गई हैं अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जो भारत रत्न। और एक पक्ति और उनके बगल में है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे बेहद खूबसूरत पंक्तियां लिखी गई हैं मनाली के इसी बीचों बीच मार्केट में। बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।